So now we are beginning with section C. This is question number 13. The question says, in figure, ZO is the center of a circle such that diameter AB equals to 13 cm. So ye hume figure given hai jisme O center of circle hai and hamara ye jo AB hai, iski length jo ye diameter hai, that is 13 cm. And AC equals to 12 cm. So ye jo AC hai, iski length hume given hai 12 cm. BC is joined, find the area of the shaded region. So, यहाँ पे BC को join कर दिया and जो यहाँ पे shaded region है, इसका हमें area find करना है. So, उसके लिए आप देखोगे, ये जितनी भी यहाँ पे figure बनी है, ये semi-circle में बन रही है, correct? अब, अगर मैं इस पूरे semi-circle का area find कर लूँ and then उसमें से triangle का area minus कर दूँ, तो मेरे पास shaded region आ जाएगा, right? So, for that, मुझे BC की length पता होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज जो लिख सकते हैं ना वो ये है कि एंगल C इक्वल होगा 90 डिग्री की. अभी एंगल C 90 डिग्री के इक्वल क्यों होगा? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल. सो ये सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है इसलिए ये 90 डिग्री होगा. तो हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल. ओके, नाउ अब अगर हमें पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बीसी फाइंड कर सकते हैं. सो इन ट्रायंगल एबीसी नाउ वी कैन राइट दैट एबी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर एंड दिस इज थ्रू पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो एबी स्क्वायर, एबी हमें गिवन है 13, मींस 13 का स्क्वायर. BC हमें फाइंड करने, सो एज इट इज लिख देंगे. AC इज, AC हमें 12 दे रखे, तो मीन्स 12 का स्क्वायर. सो 13 का स्क्वायर इज 169, देन अगेन BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144. इधर ले आएंगे 169 माइनस 144 इक्वल्स टू BC स्क्वायर. सो BC हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 4 इज 4, 5, 6, 7, 8, 9 means 5, then 6 minus 4 is 2 and 1 minus 1 is 0. So, BC again under root mein 25, which means this will be equal to 5 centimeters. So, ab humare paas BC ki bhi length aagi, which is 5. So, ab aate hain area pe. Now, area of shaded region equal ho jayega area of semicircle माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होगा हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, सो हाफ पाई हो जाएगा 22/7. आर क्या होगा? देखो डायामीटर हमें 13 दे रखा है, सो अगर डायामीटर 13 है सो रेडियस हो जाएगा 13/2, करेक्ट? So, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 13/2 बिकॉज आर स्क्वायर है. देन माइनस 1/2, बेस क्या है? बीसी विच इज 5, हाइट है 12. ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 11 और हम यहाँ पे कुछ भी कट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे माइनस के साइड देखते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 6. सो नाउ दिस विल बी 13 into 13 इज 169. सो 169 इंटू 11. तो इंटू 11 दिस विल बी 9 1 9 6 1 अगेन 169 9 10 15 6 7 8 and 1 8 5 9 आ गया हमारे पास. सो दिस इज 1 8 5 9 upon 2 into 2 is 4, 4 into 7 is 7 4 is 28 minus 6 into 5 is 30. सो नाउ वी हैव टू डिवाइड. अब आपको 28 को 1 8 5 9 से डिवाइड करना है. सो उसके लिए आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट. इफ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड नॉट नोट इट डाउन. सो नाउ मूविंग अहेड, so now we have to divide 28 and we have 1 8 5 9. So यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 28 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज
हमें यहाँ पे सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 8 5 40 5 2 10 1 140 आ गया। अब हमें इससे बड़ा देखना है अगर कुछ ऐसे, बिकॉज देखो 18 तो आने चाहता, 3 digit ही चाहिए हमें, तो 140 से बड़ा देखते हैं। 28 into 6 6 8 48 6 2 12 31 15 16 तो ये आ गया 168। 7 से करके देख लेते हैं, 7 into 8 is 56, 7 into 2 is 14 15 16 17 18 19, तो ये आ गया 196। ये बड़ा आ गया तो मतलब हमें 6 से ही लेना पड़ेगा, तो 6 से करेंगे आ गया 168। नीचे 9 कैरी हो जाएगा, दिस इज 8, 9 10 11 12 13 14 15 7, एंड ये हमारे पास है 7, 7 माइनस 6 इज 179, सो 179 अगेन 6 से जाएगा, तो 6 से करेंगे ये आ जाएगा 168, 9 माइनस 8 इज 1, 7 माइनस 6 इज 1, पॉइंट लगाएंगे 110 हो जाएगा। अब हमें 5 से भी नीचे जाना पड़ेगा, तो 28 को 4 से कर लेते हैं, 8 4 32 4 2 8 9 10 11, सो 112 आ गया, इससे छोटा जाना पड़ेगा, मतलब 28 into 3 करना पड़ेगा, सो 8 3 24 3 2 6 7 8 84 आ गया, सो दिस इज 3 से किया तो हमारे पास आ गया 84, 10 minus 4 is 6 and this will be 9, 9 minus 8 is 1, so ye 160 ho gaya, 160 ke liye hume lena padega 5 and hume 2 digit tak mil gaya, that's more than enough, so ye ho jayega 66.35 minus 30, now 66 minus 30 will be 36 and 0.35 as it is, so this will be 36.37 centimeter square, so this is the area of the shaded region. Okay, so this was our 13th question. Let's move to the next question.